G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में जारी है। आज आखिरी दिन है और कई देशों के प्रमुख शाम तक लौट जाएंगे। इस दौरान राजधानी दिल्ली में बारिश भी लगातार हो रही है। बारिश के रहते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि भारत मंडपम के एक हिस्से में भी बारिश के रहते पानी भर गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये अरबों रुपए की बर्बादी का नजारा है। G20 समिट को लेकर सामने आ रही अलग अलग प्रतिक्रियाओं में कांग्रेस ने भारी बारिश के बीच भारत मंडपम का एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा, खोखले विकास की पोल खुल गई। G20 के लिए भारत मंडपम तैयार किया गया, 2700 करोड़ रुपए लगा दिए गए, एक बारिश में सब पानी फिर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी बारिश जारी रहेगी। दिल्ली भारी बारिश के बाद G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में पानी भर जाने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ट्विटर पर बाढ़ग्रस्त स्थल का दृश्य साझा करते हुए जिसमें लोगों को आयोजन स्थल से पानी निकालने का काम करते हुए भी दिखाया गया है। युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा, विकास तैर रहा है। भारत मंडपम को बनाने में 2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत मंडपम में बना फूड हॉल और मीटिंग रूम्स 10 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में 13,000 लोगों के बैठने की सुविधा की गई है। वहीं पार्किंग एरिया में एक साथ 5,000 गाड़ियां पार्क करने की सुविधा है। इसमें एक बार में 10,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। भारत मंडपम के इंटीरियर में हर राज्य की कलाकृति का इस्तेमाल किया गया है। भारत मंडपम में कश्मीर और भदोही के कालीन लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पर एवरन पोस्ट।